जो आरएसएस का सर्टिफिकेट लेगा असली हिंदू वो कहा जाएगा, मतलब हिंदू का सर्टिफिकेट भी बीजेपी वाले देंगे, यहाँ पर भारत में रहने वालों का भी सर्टिफिकेट वही देंगे। ये बांटने का काम करते हैं, इनसे इनके चक्रव्यूह से बच के रहना। सिख बनाम हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही, नहीं बनने का, सिख भी तो हिंदू ही है, ये कहां से, ये तो आज अभी भाषा सुनी के सिख हिंदू नहीं है और कोई अलग है, ये तो सारे एक ही तो है। तुहाडे कहने का मतलब की है हिंदुआ चो सिख निकले ने, क्योंकि वार वार सिख सिख अपनी वक्री पछाण की लड़ाई लड़ता नजर आता हमेशा, तो ये तो लड़ाई लड़ रहा, यहाँ क्या कोई किसी उसकी लड़ाई है, यहाँ तो फसलों की नस्लों की लड़ाई है। ये फार्म कैसे बने वो नहीं दिखते इनको, आज ये पंजाब के हो गए, पंजाब भी हिंदुस्तान का ही है, ये यही रहेंगे, ये कहीं नहीं जाते। कोई 8-9 महीने को किराएदार मकान में रह ले वो मकान नहीं छोड़ता, इनकी दो पिट्टी खत्म होगी इन जंगलों में, यहाँ के पत्ता जंगल तोड़ते, इनकी पेड़ों की जड़ पाड़ते। अगर हम ये मांग रहे हैं तो हम एंटी नेशनल होंगे, हम खालिस्तानी होंगे, हम पाकिस्तानी होंगे। भाव मांगना तो सरकार और सरकार के लोग इस तरह की ये बातें करते। असि इस वक्त लखीमपुर ते सोग समागम चल रहे ने, 3 तरीक की घटना नूं जिन्हां दीआं जानां चलीआं गईआं, ते किसान आगू राकेश चकैत मेरे नाल ने। कह साहब किसान तां पहुंचे ने, वख-वख पार्टियां दे नुमाइंदे पहुंच चुके ने, प्रियंका गांधी आए, की कहना चाहुंदे हो पहला? हां तो आना चाहिए सबको भाई, किसी की मौत हुई है तो आना चाहिए सबको, मौत पे तो पॉलिटिक्स नहीं है कोई, मौत पे तो जिसकी श्रद्धा होती है वो आता है। तरीके दे नाल पंजाब दे आगू आ रहे ने जां होर वख-वख पार्टियां पहुंच रही ने, तुहानू की लगता है वाकई ये हमदर्दी है जां फिर सिर्फ सियासत है? मौत पे सियासत तो नहीं होती, मौत पे तो हमदर्दी होती है, मौत अत्याचार के खिलाफ मौत हो, ये अत्याचार हुआ उनसे इनकी डेथ हुई, तो ये तो हमदर्दी है जो लोग आ रहे हैं। की लगता है इंसाफ कदों मिलूगा? खेती कानूनां दी गल करदे हो, उत्थे इंसाफ लैण तुहानूं साल हो चुक्या तकरीबन, इत्थे भी लम्मा समा हुंदा जा रहा पर सरकार टस तो मस नहीं है। हो नहीं रही सरकार टस समस, हो नहीं रही, 11 महीने आंदोलन हो गए तो हो नहीं रही टस समस। लगता है सरकार की नीयत की है इत्थे भी गल, सरकार की है कि देश पे कब्जा करना है, लोकतंत्र खतरे में है, पूरा सिस्टम पे कब्जा हो गया। ये भी कहते ने कि लोकतंत्र नु खतरा था इन्ना फर्जी किसानों तो? हाँ हम तो फर्जी किसान है, यहाँ किसान अपने धान का भाव मांग रहा तो फर्जी किसान है। सरकारों के खिलाफ आवाज उठाना तो कहते हैं कि बगावत कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ बगावत नहीं है, ये सरकार के खिलाफ बगावत है, तो ये अगर बगावत है तो ये बगावत तो करते रहेंगे हम। सरकार तो कहती है कि एंटी नेशनल है जिड़े लोग ने देश द्रोही। हाँ एंटी नेशनल के, ये यहाँ का जो किसान है इससे नेपाल की राजधानी नजदीक है, नेपाल नजदीक है, ठीक है, वहाँ पे 20 रुपया सस्ता है डीजल, यहाँ पे 20 रुपया महंगा है, जाता हमारे यहाँ से ही है, यहाँ पे जो भाव है वो 800 रुपया सस्ता है अभी धान। अगर हम ये मांग रहे हैं तो हम एंटी नेशनल होंगे, हम खालिस्तानी होंगे, हम पाकिस्तानी होंगे। भाव मांगना तो सरकार और सरकार के लोग इस तरह की ये बातें करते हैं। सरकार कुछ लोग के भी कहते सी कि पंजाब तो आए लोग इत्थे उपद्रवी ने, जो पंजाब तो आके लोग उपद्रव मचाउंदे ने, इत्थे जिहड़ा के भड़काउंदे ने लोगों नूं, जो 3 तरीक की घटना है वह भी कहते हैं कि पंजाब तो आए कुछ लोग। कोई 8-9 महीने को किराएदार मकान में रह ले वो मकान नहीं छोड़ता, इनकी दो पिट्टी खत्म होगी इन जंगलों में, यहाँ के पत्ता जंगल तोड़ते, इनकी पेड़ों की जड़ पाड़ते।
आज ये दो रोटी ठीक खाने लगे तो आज ये पंजाब के दिखे। इनके जो पूर्वज आए थे, जो जिनकी शहादत यहाँ पे इन जंगलों में, वे शहादत नहीं दिखती। जिन्होंने देश के लिए अनाज पैदा करा, आज वो नहीं दिखता इनको। आज इनके बड़े बड़े फार्म दिखते हैं, ये फार्म कैसे बने वो नहीं दिखते इनको। आज ये पंजाब के हो गए, पंजाब भी हिंदुस्तान का ही है। ये यही रहेंगे, ये कहीं नहीं जाते। बार बार गल आ रही है, हालांकि वरुण गांधी खुद कहते नजर आए कि सिख बनाम हिंदू ना बनाया जाए, मुद्दा खतरनाक है। सिख बनाम हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही, नहीं बनने का। सिख भी तो हिंदू ही है, ये कहां से? ये तो आज अभी भाषा सुनी कि सिख हिंदू नहीं है और कोई अलग है, ये तो सारे एक ही तो है। ये नहीं लड़ने, सरकार के चक्र में नहीं फंसना, सब एक ही तो है। सिख सरदार का मतलब होता है कि हर घर का जो चौधरी होता है उसको सरदार कहते हैं, जो बड़ा होता है, जो जिम्मेदार होता है, तो वही सरदार है। हमारे घर में भी सरदार है एक, हम भी सरदार हैं। तो सरदार वो कोई अलग नहीं है, सब एक है। तो कहने का मतलब की है, हिंदुओं चो सिख निकल जाने, क्योंकि वार वार सिख अपनी वक्री पछाण की लड़ाई लड़ता नजर आता हमेशा। तो ये तो लड़ाई लड़ रहा, यहाँ क्या कोई किसी उसकी लड़ाई है? यहाँ तो फसलों की नस्लों की लड़ाई है। क्या जो दूसरे लोग हैं उनको फसलें ठीक रेट में बिक्री? ये फसलों की नस्लों की लड़ाई है, ये वैसी कोई लड़ाई नहीं है। तो शहरे ते ही क्यों पुतला साड़िया जा रहा है? धर्म, हिंदू धर्म के त्योहार नु टारगेट किया जा रहा है, कहना है बीजेपी के कुछ लोगों का। इन्होंने हिंदू को भी बांट लिया, जो आरएसएस का सरपी टिकट लेगा असली हिंदू वो कहा जाएगा। मतलब हिंदू का सरपी टिकट भी बीजेपी वाले देंगे, यहाँ पर भारत में रहने वालों का भी सरपी टिकट वही देंगे। ये बांटने का काम करते हैं, इनसे इनके चक्र व्यूह से बच के रहना। कहते जिहड़ा समझौता होया फिक्स मैच है, ये फिक्स मैच किया गया, जिहड़ा समझौता इत्थे तुसीं करवाया आ। नहीं नहीं, समझौते में कोई दिक्कत नहीं है, समझौता तो यहाँ के लोगों ने करवाया, सब लोग समझौता अंत्येष्टि तक है। भारत सरकार से जो इशू है वे अभी रह रहे हैं, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी, और उसके बाद फिर उनको पूछताछ उनसे हो, उनकी रिमांड लेकर उनकी पूछताछ हो।